मौसम क्या बदला, गैस ने भी आवाम से आंखें फेर ली। रहिंगर खान के खवातीन की मुश्किलात का शुमार, गैस न होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। डीडी खान के बेशतर इलाके भी गैस की लोड शेडिंग से मुतासिर, शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग कम करने का मुतालिबा, शहरियों को मुश्किलात। हमारे घर तो गैस नहीं है, हमारे घर तो सिलेंडर चलाते हैं हम, सिलेंडर भी 220 रुपये हो चुका है, क्या करे गरीब आदमी, कहाँ से पूरा कर सकता घर का। बाहर से सिलेंडर भरवा के आते हैं, गैस नहीं होती तो फिर परेशानी होती है। बच्चों स्कूल भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो उस टाइम गैस उस टाइम आता नहीं, थोड़ी देर के लिए आता है चला जाता है, बिल पूरा आता है। अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो आपको सिलेंडर चलाना पड़ेगा या फिर उनको बाहर ले जाकर नाश्ता करना पड़ेगा। गरीब की सर्दियां छिटरते ही गुजरेंगी, जनूबी पंजाब में लकड़ी की कीमतों को आग लग गई। डीडी खान में लकड़ी 460 रुपए से बढ़कर 600 रुपए फी मन हो गई, भावलपुर में 800 रुपए फी मन तक लकड़ी फरोख्त होने लगी। बेहतरीन आसलो इंजा निजाम बने खड़े लकड़ बना घेर नहीं सकता, खर इत महंगी मिलती है, देने महंगी है, मजबूरी को तो लकड़ी वाले गिनते हैं भाईजान, बहुत मजबूरी है भाईजान, बहुत महंगा है गैस, इतना महंगा है कि सोच करो भी ज्यादा है। मसाला दालें घी हो या चाय, कहना पड़ेगा अब इनको बाय बाय। अलीपुर में महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी, महंगाई के मारे आवाम हुकूमत पर फर्ज पड़े। महंगाई बढ़ी है, इतनी महंगाई देनी पे ऐसा हूँ क्या कर सकता हूँ, खुदकुशी करूँ क्या करूँ, दसाओ खुदकुशी हलाल होंगी ऐसा कटों दे कार गिनवा। परेशान है, हद से ज्यादा परेशान है, घी आटा चीनी हमारी पहुँच से दूर है, फल तो खाने की कुछ सोच भी नहीं सकते हम। भाईजान महंगाई इतना है, गरीब बंदे से रक्षा चले तो सारा दिन 1700 रुपया बंद है, इंदिरा घाट नहीं चलता, 400 रुपया किलो घी है, 150 रुपया लीटर पेट्रोल है, कितना महंगाई दे था पूरी करो। पाकिस्तान को उस वक्त इस बात का भी खौफ नहीं था जिस तरह के खौफ आज हमारे सर पे मंडला रहे हैं। पाकिस्तान में उस वक्त कोई लोड शेडिंग नहीं थी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लफ्ज से और खुद को हमलों के लफ्ज से कोई वाकफ नहीं था, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं थी। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई, राणा सनाउल्ला की भी दुहाई, लीगी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं महंगाई ने आवाम से दो वक्त का नवाला छीन लिया, खाद और बीज की कीमतें भी 5 गुना बढ़ गईं जिससे काश्तकारों की परेशानी में इजाफा हुआ। करप्ट अमले की मिलीभगत से गैर कानूनी गैस के मीटरों की भरमार, दुनियापुर वार्ड नंबर 5 बस्ती अकबराबाद में महकमे से हुई गैस की कार्रवाई, गैर कानूनी मीटर उतार लिए गए, महकमे के मुताबिक जवाब सिटी में बगैर डिमांड नोटिस भरे सुई गैस की सप्लाई जारी थी। जितोई की बस्ती कोटला बंद अली को अंधेरे में डूबे 3 दिन हो गए, ट्रांसफार्मर 3 दिन बाद भी दुरुस्त ना हो सका, घरों और मसाजिद में पानी भी खत्म, इलाका मकीम परेशान, आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालिब। निकाह पैदाइश या तलाक कैसे बनवाएं सर्टिफिकेट, यूनियन काउंसिल्स में सिस्टम लॉगिन का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, गुज़श्ता 1 माह से सर्टिफिकेट्स बनाने का सिस्टम मुतासिर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर ने तस्दीक कर दी, नादरा के हर धर्मी पर शिकवा गुना। होशियार खबरदार, वाजवात के दम अदायगी पर जायदाद आपकी नहीं रहेगी, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर शाद अहमद ने रेवेन्यू वाजवात के नादहिंदगान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। लोधरा में मकान के तनाजे पर कत्ल की जाने वाली ज़ईफ़ खातून के काफिल शिकंजे में आ गए, मुलजिम रमजान ने रिश्तेदारों से मिलकर खातून को कत्ल किया, मुकदमे में नामजद 3 नामुलजिमान की गिरफ्तार के लिए छापे।
रहीमियर खान के टाउन हॉल में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियाँ एजाज आमिर की आवामी बैठक। सीनियर वकला का कादिर बरादरी, मजहबी स्कॉलर, सहाफी बरादरी समेत शहरी के मसाइल सुने। मियाँ एजाज आमिर कहते हैं, हमें मिलकर शहर के मसाइल हल करना होंगे। पानीवाल के हलका पीपी 206 की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तहरीक इंसाफ की एमपीए शाहिदा मलका की खवातीन विंग से मीटिंग। कहती हैं, तहरीक इंसाफ खवातीन मेंबरान अवामी राबता मुहिम में घर घर जाएंगी। हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए रिलीफ दे रही है। विफाकी वजीर सरताज गुल के डीडी खान दारुल एहसास आमद। सरताज गुल ने बच्चों के साथ सालगिरह का केक काटा। सरताज गुल ने बच्चों के हमरा खाना भी खाया। मुशीर सेहत हनीफ खान फताफी भी हमरा। मुल्तान बहाउद्दीन जकी यूनिवर्सिटी ने बीकॉम जमीन इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया। बीकॉम 2020 के जमीन इम्तिहानात 9 दिसंबर से शुरू होंगे। तलबा को रोल नंबर स्लिप से 4 दिसंबर तक पहुंचाई जाएंगी। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक इम्तिहान का मुकम्मल शेड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी दिया जाएगा। मुल्तान बहाउद्दीन जकी यूनिवर्सिटी में ओल्ड जकरियन ग्रुप की सालाना तकरीब हुई। 1975 से 2000 तक के साबिक तलबा की शिरकत। साबिक तलबा एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए, हाल अहवाल भी पूछते रहे। कोटसुट्टा के बहादुर सपूत ताहिर अब्बास शहीद की चौथवीं बरसी। एसएससी कमांडोज ने 20 नवंबर 2007 को जामे शहादत पहुंच किया। शहीद के अहले खाना को ताहिर अब्बास की शहादत पर फख्र। शेख जैद अस्पताल रहीम अल खान पेड्स वार्ड में तकलीफ हुई। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से तहाइफ तकसीम। प्रिंसिपल ने बच्चों की इयादत भी की।